दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस फोटो का राज क्या आपको पता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन की खुद की वाइफ उनको लेकर के क्या सोचती थी, इस बारे में क्या आपको पता है? अगर आप भी अपने फोन नंबर्स याद नहीं रख पाते हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी नहीं लगता, तो शायद आप भी आइंस्टाइन जैसे ही जीनियस हो। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अल्बर्ट आइंस्टाइन से मुलाकात के वक्त में किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया था कि लाइफ में सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, और इस चीज के जवाब में आइंस्टाइन ने सिर्फ एक चीज कहा था, डेडिकेशन। मतलब आप अपने काम को लेकर के कितना लगाव रखते हो, क्या लगन है आपकी, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया में इतने बड़े जीनियस माने जाते हैं, लेकिन उनको अपना खुद का ही टेलीफोन नंबर याद नहीं था। किसी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा तो वो अचानक से डायरेक्टरी में अपना ही नंबर ढूंढने लग गए। ये देख करके सामने वाला इंसान हिल सा जाता है और सवाल करता है कि आखिर आपको अपना ही नंबर कैसे याद नहीं है। इसके जवाब में अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि उस चीज के बारे में इतना क्या सोचना जिस चीज को हम आसानी से किताबों में ढूंढ सकते हैं, तो भला मैं उसको याद ही क्यों रखूं। पॉइंट बॉस, आप में से पता नहीं कितने सारे लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में मालूम हो, लेकिन फिर भी मैं बताना जरूर चाहूंगा क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल सा जाएगा। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे और वहां पे आ जाता है टीटी। टीटी आकर के उनसे टिकट पूछते हैं। टिकट के पूछे जाने पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ढूंढने लग जाते हैं कि टिकट कहां पे रखा है, और उसके बाद से वो परेशान से हो जाते हैं। टीसी को अच्छे से पता था कि वो किससे टिकट की मांग कर रहा है, जिसके वजह से टीसी ने सीधा कह दिया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं जानता हूं आपको, आपने जरूर टिकट ली होगी पर आपको शायद इस वक्त नहीं मिल रहा है, ये कहकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वापस से वो उसी डब्बे पे आता है तो देखता है कि आइंस्टाइन अभी भी टिकट को ढूंढ रहे हैं। उनसे कहते हैं कि आपको कहा है ना जरूरत नहीं है, लेकिन इसके जवाब में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो रिप्लाई किया वो बहुत ही मुझे तो डेंजर लगा। उनका कहना था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता करना है कि मुझे एग्जैक्टली कौन से स्टेशन पे उतरना है, मैं जा कहां रहा हूं, वो टिकट से ही पता चलेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मौत के दिन जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो उनकी आखिरी शब्द क्या थी और वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे, इस चीज के बारे में दुनिया को ना कभी पता चल पाया है और ना ही शायद कभी पता चल भी पाएगा, क्योंकि उन्होंने जर्मनी में कुछ कहा था जो कि उनका टेक केयर कर रहे थे और उनको भी सही से सुनाई नहीं दे पाया। क्या कुछ वो ऐसा कहना चाहते थे जिसको पूरी दुनिया को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, या शायद उनकी कुछ आखिरी विश होगी, बट ये राज भी उनके साथ ही चला गया। जहां आइंस्टाइन पूरी दुनिया में छा रहे थे, लोग उनकी थ्योरी के पीछे पागल हुए जा रहे थे और लोग उनको सम्मान से याद करते थे, वहीं उनकी वाइफ से जब उनके बारे में पूछा गया कि वो अपने हस्बैंड को लेकर के, यानी आइंस्टाइन की थ्योरी को लेकर के क्या सोचती है, इस बारे में उनकी वाइफ का कहना ये था कि मैं उनकी थ्योरी को उतना तो नहीं समझती हूं, लेकिन वो जितना भी जो भी करते हैं वो सही करते होंगे और इस इंसान पे भरोसा किया जा सकता है। ये उनकी वाइफ की सोच थी खुद आइंस्टाइन को लेकर के। क्या आप सोच सकते हो जिस दिमाग के अंदर में दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज भी बहुत इजीली वो एक्सप्लेन कर सकते थे, उस थ्योरी पे काम कर सकते थे, वो इंसान नॉर्मल सी ड्राइविंग जो होती है कार ड्राइविंग वो नहीं जानते थे और ना ही उनको स्विमिंग आती थी। और मजे की बात तो ये है कि इनको ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। उनको वाटर ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद था, यानी शिप में ट्रैवल करना, और वहीं उनके पास जो कार थी उस पे सबसे ज्यादा ट्रैवल करते थे। साल 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला एग्जैक्टली वो किस चीज के लिए मिला? ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि वो नोबेल प्राइज मिला है जनरल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन ये गलत है। और एग्जैक्टली उनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिस्कवरी के लिए। उनको जो नोबेल प्राइज मिला था एग्जैक्टली इस डिस्कवरी के लिए मिला था, ना कि उसके लिए। अगर आपको भी अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार है और आप चाहते हो कि आपके बाल को कोई टच ना करे, आपका हेयर कट कभी भी ना हो, बाल बस बढ़ता रहे, तो शायद आप भी उतने ही जीनियस हो, बट हो सकता है कि आप छपरी भी हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने बालों को कट करवाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने अपने बालों पे कभी काम किया ही नहीं, यानी जो उनके बिखरे हुए बाल थे वो बाल ही एक टाइम पे ट्रेंड बन चुका था, और आज के दिन में उस हेयर कट को कहा जाता है जीनियस हेयर कट। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो आपको इस फोटो में दिख रहे हैं और उनका जो हेयर स्टाइल है, ये एक जीनियस हेयर स्टाइल है। आप में से कितने लोगों का है ये? सर, आइंस्टाइन को कभी भी सॉक्स पहनना पसंद नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से उनके पांव की उंगलियां काफी ज्यादा लंबी थी, और बचपन में जब भी वो सॉक्स पहनते थे तो बार बार वो सॉक्स फट जाया करते थे, जिसके वजह से उन्होंने सॉक्स पहनना ही बंद कर दिया और उन्होंने आगे चलकर कभी भी सॉक्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। इस फैक्ट को सुनने के बाद शायद आपको झटका लगे कि आइंस्टाइन को उनके स्कूल में बहुत ही ज्यादा डम स्टूडेंट में से एक माना जाता था, और टीचर्स तक का ये भी कहना था कि ये आगे चल के जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसको नॉर्मल से नॉर्मल चीज भी समझने में इतनी मुश्किल क्यों होती है। किसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि उनका लेबोरेटरी कहाँ पे है, तो उन्होंने जवाब में दिखाया अपना सर, यानी उनका दिमाग ही उनका लेबोरेटरी है। फिर किसी ने उनसे पूछा कि उनका सबसे बड़ा उपकरण क्या है, तो उन्होंने अपने फाउंटेन पेन को दिखाया और बताया कि यही उनका सबसे बेस्ट एंड फेवरेट उपकरण है। अगली जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी कि हम अपने सक्सेस को पाने के लिए और काम ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अपने कंफर्ट को छोड़ देते हैं, मतलब अपनी नींद अपने आराम को पूरे तरह से त्याग देते हैं, लेकिन वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो पूरा 10 घंटे की नींद लेते हैं, उसके
बाद जो वो काम करते हैं पूरी तरह से फोकस होके करते हैं। एक और चीज सुनकर के आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि आइंस्टाइन अपने सिग्नेचर यानी अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 चार्ज करते थे, और वहीं अगर कोई उनको बुला लेता था स्पीच देने के लिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या किसी जगह पे, तो उसके लिए वो $1,000 चार्ज करते थे। पर आपको इतना ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, ये चार्जेस इसलिए करते थे ताकि जो भी उससे इनकम होता था वो डोनेट कर देते थे गरीब बच्चों में और गरीब लोगों में। जब आइंस्टाइन प्रोफेसर थे तो उस वक्त एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि जो सवाल इस साल आए हैं वही सवाल पिछले साल भी आए थे, पर इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा कि इस साल इस सवाल का जवाब जो है बदल चुका है। आप इसके पीछे का स्वैग समझ पा रहे हो? क्या मतलब क्या खतरनाक आंसर दिया है। मतलब जो साइंस जो है वो हर साल तरक्की करता है, तो जरूरी नहीं कि जो चीज आप पिछले साल सीखे हो वही चीज इस साल भी काम आए। यू हैव टू अप टू डेट विद द टाइम। अल्बर्ट आइंस्टाइन की लिखी हुई एक चिट्ठी 20,38,00,000 में बिकी। अब इस चिट्ठी में ऐसा क्या था? एक साइंटिस्ट ने एक चिट्ठी लिखा था और उसमें खास ये था कि उसमें धर्म की बात की गई थी। इस चिट्ठी को लिखने के पीछे का कारण ये था कि जर्मनी में बैठे एरिक गटकाइंड, उनके तरफ से लिखी हुई एक बुक थी जो कि एक धार्मिक बुक थी। उस बुक को पढ़ने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो चिट्ठी उसी बुक के ऑथर यानी एरिक गटकाइंड को लिखा था। अब इस चिट्ठी में एग्जैक्टली जो लिखा हुआ था वो समरी यही है कि वो किसी भी तरह से भगवान पे तो बिलीव नहीं करते हैं, भगवान जो है लोगों के अंदर की कमजोरी में से निकलने वाली एक शब्द है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वही लोग भगवान के सहारे रहते हैं या फिर वही लोग भगवान को मानते हैं जो खुद पे भरोसा नहीं करते और खुद कुछ कर नहीं पाते, लाचार होकर के भगवान को मान बैठते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि बाइबल जो है एक अच्छी किताब है, लेकिन कोई भी ऐसी इंसिडेंट जो कि रहस्यमय हो, जिसका कोई जवाब अब तक नहीं आया हो और ऐसी चीजों को सोच करके वो भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो उनकी सोच भगवान के प्रति यही रहने वाली है और ये सोच कभी नहीं बदल सकती। अल्बर्ट आइंस्टाइन के डेथ के बाद में उनके ब्रेन को निकाल करके उस पर रिसर्च करने के लिए थॉमस हार्वे ने उस ब्रेन को प्रिजर्व किया 20 साल तक। हालांकि थॉमस हार्वे के ऊपर में केस भी हो गया क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के फैमिली के परमिशन के बिना ये चीज की गई थी और उसके लिए उनको अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ गया था। लेकिन उसके बावजूद जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को प्रिजर्व करके 20 साल तक रखा गया और जब उस पर स्टडी की गई तो ये पता चला कि नॉर्मल इंसान के ब्रेन में जितने सेल्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा मात्रा में ब्रेन सेल्स पाए गए। तो इस रिसर्च में भी यही निकल कर सामने आया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो दिमाग है वो नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा अलग है और कहीं ज्यादा काम करता था। सर आइंस्टाइन 7 साल की उम्र तक स्कूल भी नहीं गए थे और 4 साल की उम्र तक उनके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकला था। घर वालों को लगता था कि ये काफी लेट बोलने वाले हैं, लेकिन 4 साल के बाद जब पहली बार मुंह खोला तो आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। टाइम्स ने 1999 में 20th सेंचुरी का द मैन ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन को। इसराइल की तरफ से 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट बनने का भी ऑफर दिया गया, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हूँ, मैं साइंस के लिए बना हूँ। वैसे क्या आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? उनके सबसे फेवरेट साइंटिस्ट अगर कोई थे तो वो थे ग्लेलियो ग्लेली। आइंस्टाइन को सिगार का इतना शौक था कि आप कई सारे फोटोज में सर आइंस्टाइन को पाइप के साथ में देखोगे, यानी वो सिगार पीते हुए दिखते हैं। यहाँ तक कि एक बार वो सफर में शिप से गिर गए थे और पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिगार उन्होंने बचा करके रखा था। वैसे क्या पता है आपको, एटम बॉम्ब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी भी नहीं बनाया था, पर उस पे कुछ थीसिस कुछ थ्योरी लिखी गई थी, लेकिन जब एटम बॉम्ब बना तो उन्हीं की थ्योरीज को इस्तेमाल किया गया। और ये जानने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि उनकी ही थ्योरी को इस्तेमाल करके एटम बॉम्ब का इजाद किया गया, क्योंकि सर आइंस्टाइन को कभी भी वॉर पसंद नहीं था, वो हमेशा से उससे नफरत करते थे। किसी ने जब उनसे पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसी लड़ी जाएगी, तब आइंस्टाइन का कहना था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसी लड़ी जाएगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर जब भी लड़ाई जाएगी तो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक दुनिया इतनी पीछे जा चुकी होगी, मशीनें खत्म हो जाएगी और इतनी तबाही मच चुकी होगी कि उनका हथियार फिर से हजारों साल पीछे चला जाएगा और पत्थरों से अपना फोर्थ वर्ल्ड वॉर लड़ेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की कौन सी बात सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी, ये कौन सी चीज अब तक आपको नहीं पता था, ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।